यार से उन्हें दीन बंधु, रहबरे आजम या गरीबों के मसीहा के खिताब दिए गए। समय समय पर इतिहास एक प्रक्रिया के जन्म का गवाह होता है। एक नेता जो सब तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक प्रभावों से ऊपर उठकर लोगों की किस्मतें बदल देने की काबिलियत रखता है, ऐसे ही देशभक्त और गरीब किसानों के मसीहा सर छोटू राम ने पीड़ित आवाम को इंसाफ दिलाया। इस जंग में उन्होंने अनेक कठिनाइयों से जूझते हुए अपना जीवन समर्पित किया। विभिन्न स्तरों पर उन्होंने दुर्लभ जीवटता और समग्र संकल्प का परिचय दिया। निडरता से लड़ते हुए उन्होंने नए ग्रामीण और सामाजिक सुधारों की स्थापना की। एक महान सांसद, कुशल प्रशासक, कानून के जानकार और सबसे ज्यादा एक अद्वितीय सुधारक के रूप में वे एक अनुपम छवि छोड़ गए हैं। हरियाणा के गांव गढ़ी सांपला में 24 नवंबर 1881 में एक किसान परिवार में जन्मे सर छोटू राम ने अपना समस्त जीवन किसानों की ही सेवा में व्यतीत किया। ये कल का छोकरा क्या कर लेगा? देखना, उस मुल्जिम को फांसी हो जाएगी। जिरे और पेश किए सबूतों के मध्य नज़र रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वारदात से जुड़े सबूत और गवाहों के बयानात आपस में मेल नहीं खाते हैं। देर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस, देयरफॉर ही गेट्स द बेनिफिट ऑफ डाउट। शक की बिना पर अदालत का फैसला है कि मुलजिम को बाइज्जत बरी किया जाता है। बधाई है छोटू राम जी, बधाई। थैंक। आपने तो नौजवान वकीलों की इज्जत में इजाफा कर दिया। थैंक यू सो मच यंग मैन, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। थैंक यू। हारे हुए मुकदमे का पासा ही पलट दिया। मांगे हुए कितना कॉन्फिडेंस है इसमें।
देखना बहुत ऊंचा जाएगा। हरियाणा का है, हरियाणा का चौधरी। सुना है सांपलागढ़ी के छोटे से गांव का है, शहरी वकीलों के तो छक्के छुड़ा दिए। क्या कानून की बारीकियां पकड़ता है। वकील साहब आ जाओ आ जाओ, दरवाजा खुला है। वकील साहब जी, ये हमारी औरत है। अरे भाई क्या करे भाई, ये क्या है ये सब? आपको मेहनतानो है वकील साहब। रखो इसे, मेरा मेहनताना तो उस दिन वसूल होगा जब ये छोकरा तलवार की जगह अपने हाथ में हल उठाएगा। इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार जरूर सूली चढ़ जाएगा ये। सुन ले वकील साहब क्या कह रहे हैं, इस सुधरो। ये मत भूलो भाई कि हम लोग किसान हैं, हमारे खेत अपने पसीने से नहीं अपने खून से सींचे जाते हैं। किसान का दिल शीशे की तरह साफ होता है भाई। अब इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसोगे तो सारी उम्र इसमें पिसते रहोगे। एक खून खराबा बंद करो, अपने खेतों को संभालो। और वैसे भी अंग्रेज के राज में किसान को इंसाफ बहुत मुश्किल से मिलता है। अरे कुछ भेजे में आयो कि ना, पल्ले से बांध लो वकील साहब की बात। अपनी जमीन से जुड़ो, अपनी मिट्टी का मोल समझो। एक किसान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है उसकी जमीन, एक माँ की तरह। वकील साहब आप तो हमारे लिए भगवान हो। अरे अपनी पगड़ी संभालो ताऊ। और छोकरे तू इस पगड़ी का मोल समझ और इसकी इज्जत के लिए संभाल अपने आप को। जाओ।
9 7 मैं बोल 9 7 63 ओहो मुनीम जी यो ते 63 से ऊपर ही ना जावे रे सेठ का छोरा सा है आगे चलकर सैकड़ों हजारों का कारोबार क्यों कर संभालेगा बोल राम राम लाला जी आ भाई सुखी राम आ यो कड़ाके की गर्मी में तू क्यों कर आया बस यूं ही लाला जी यो मेरा छोरा छोटू गणित भगोल करके मिडिल की कक्षा पास कर गया लाला जी इसे 9 का पहाड़ा आवेश है रे बोल 9 7 63 हाँ तो सुखी राम भाई के बात है यो मेरा छोरा दिल्ली जाके पढ़ना चाहे से पर मेरे धोरे पैसे कड़े सो आपके धोरे आया सो लाला जी आप तो दुनियादारी ने जानो सो सोचा आप ते सलाह ले लूं जाट का छोरा और पढ़ के क्या करेगा इफ्ते कलम की जगह हल पकड़ना सीख ले घनी गर्मी हो रही है इस पंखे में हवाई ऐसा है जरा बड़ा पंखा खींचे सुखी राम बाबू क्यों खींचेगा पंखा उनकी उम्र का तो ख्याल करो अपने छोरे को कह देते मन ने कह देते मेरा बाबू पंखा नहीं खींचेगा ए छोटू लाला जी से यूं बात ना करे से रहन दे सुखी राम 2 हरफ के पड़ गया दिमाग फिर गया इसका हाँ बालक बुद्धि से लाला जी थोड़े से पैसे की मदद कर दियो लाला जी आपके सिवा मारा कौन से इस दुनिया में देख सुखी राम तेरे ऊपर पहले से ही घना कर्जा से मेरी मान तेरा छोरा जितना पढ़ लिया उसमें पटवारी तो बन ही जाएगा ते नौकरी से 2 पैसे तेरे हाथ में भी धरेगा छोटू मिठाई खिला जल्दी से
किस बात की? स्कूल के नोटिस बोर्ड पर ऐलान हुआ है। क्या? तेरी स्कूल फीस माफ और 6 रुपये महीने तक का वजीफा अलग से। ये सब बुजुर्गों का आशीर्वाद है। अब स्कूल छोड़ने की नौबत भी नहीं आई और अब मैं अव्वल आके कॉलेज में भी पहुंच जाऊंगा। हाँ, कॉलेज में काका राजे राम का सपना पूरा करूंगा। अरे तू यहाँ है? थक गया तुझे ढूंढते ढूंढते। सारे कॉलेज में हंगामा मचा हुआ है कि वाइस प्रिंसिपल रुद्रा खुद जाकर तुझे गांव से लेकर आए हैं। क्या ये सच है? हाँ। अरे शेक्सपियर के कलेक्टेड वर्क्स अपने कोर्स में तो बस जूलियस सीजर है। पता है, पर कोर्स के अलावा मैं पूरा शेक्सपियर पढ़ना चाहता। अरे चौधरी, शेक्सपियर को तो बख्श दे, बेचारा 4 दिन देख के अंग्रेजी भूल जाएगा। हरियाणी लगेगा, बोल ले हरियाणवी। कभी सुना है देहाती और अंग्रेजी? जाट का हुक्का है जी। अच्छा, दांतन दिखाइयो। हाँ, लगे तो तू पढ़ा लिखा सा है। कहाँ का रहने वाला है? रोहतक जिले का। आप? हिसार में अलखपुरा का नाम सुना है? वहाँ का शेर छज्जू राम हूँ। काम क्या कर रहा है भैया तू? एफए का इम्तिहान दिया है सेठ जी, पास तो हो ही जाऊंगा। जहाँ कहाँ रहो है? लाहौर, वहाँ जाके नौकरी करूँगा ताकि बीए पास कर सकूँ और हो सका तो कानून भी पढ़ लूँ। भाई लगे तो तू किसी किसान का बेटा है, हैं? पिछले इम्तिहान में तेरे कितने के नंबर आए थे भैया? मिडिल में 2 नंबर पर था और मैट्रिक में 1st डिवीज़न। भाई लगे तो तू जहीन हैगा। देखियो लाहौर जाके संस्कृत पढ़ेगा ना, तब तो मैं तेरी मदद जरूर कर सकूँ। सेठ जी, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे देखियो, मेरे होते हुए किसी गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख ले वह, अरे इससे ज़्यादा पुण्य की बात भला और क्या होएगी, हैं? मैं वादा करता हूँ सेठ जी, एक दिन आपको मुझ पर फख्र होगा। सेठ जी, अगर दिल्ली दाखिला ले लूँ, वहाँ कुछ मदद भी मिल सकती है। बेटा लाहौर जाके पहले पढ़ाई शुरू तो कर, दिल्ली की बाद में देख लेंगे। देखियो, एक एक करके पत्थर हटाएगा ना तो जिंदगी का रास्ता अपने आप बन जाएगा। हाँ, कितने पर्वत चढ़ने होंगे अभी और रे, रात के अंधेरों में छिपी है जाने कहाँ भोर रे। दुख के कितने पर्वत चढ़ने होंगे अभी और रे, रात के अंधेरों में छिपी है जाने कहाँ भोर। जाने कितनी मुश्किल, जाने कितनी मुश्किल, जाने कहाँ मिलेगी सबको अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी मंजिल। नाचेंगे किस बारिश में अपने मन के मोर रे, रात के अंधेरों में छिपी है जाने कहाँ भोर रे।
जलता धरती जलती जलता है आकाश रे जलता है आकाश रे तेरा मेरा जीवन पीकर बुझती किसकी प्यास रे बुझती किसकी प्यास रे बुझती किसकी प्यास रे हैं किस पर सारी दुनिया के काले चोर रे रात के अंधेरों में छिपी है जाने कहां भोर रे कदम पर छूट रहा है उम्मीदों का साथ रे उम्मीदों का साथ रे जाने कब तक मुस्काएगी सर पर काली रात रे सर पर काली रात रे सर पर काली हाथों में अपने जीवन की है डोर रे रात के अंधेरों में छिपी है जाने कहां भोर रे दुख के कितने पर्वत चढ़ने होंगे अभी और रे रात के अंधेरों में छिपी है जाने कहां साहब कुछ नहीं भैरव बस कुछ पुरानी बातें याद आ गईं ये लो भाई मैं तो आपको मुबारकबाद देने आया था आपकी शानदार कामयाबी के लिए लोग आपके नाम की वाह वाह कर रहे हैं मुझे अपनी वाह वाह नहीं चाहिए भैरव मैं तो हर उस किसान की वाह वाह चाहता हूं जिसे अपने बुजुर्गों की मौत के बाद विरासत में एक छोटे से जमीन के टुकड़े के साथ सर पर भारी कर्ज मिलता है जिंदगी की शक्ल में मिट्टी में मिलते पसीने के साथ दम तोड़ने वाले सपने मिलते हैं गरीबी से जिसका अटूट नाता बन चुका है मैं उस किसान की वाह वाह चाहता हूं मैं हर साल हमारे किसान के शरीर का कपड़ा तार तार हो रहा है अपने कमजोर शरीर को मौसम के थपेड़ों से भी नहीं बचा सकता भैरों मैं वकालत के जरिए हर उस किसान की मदद करना चाहता हूं जिसे अपनी ही फसल में से अन्न के दाने नहीं मिलते मैं हर किसान को उसकी राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा से बाहर निकाल कर ही इस वाहवा का हकदार बन सकता हूं वकील साहब किसानों के लिए आपके दिल में इतना दर्द अगर हर इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो इस धरती पर ही स्वर्ग बन जाए इतना आसान नहीं है ये सब इतना आसान नहीं ये तो एक बहुत लंबी लड़ाई है तभी सूरज दिखाई देगा उसी के बाद जीवन सुनाई देगा ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है काला कांकर के राजा रामपाल सिंह के वहां एक सपना देखा था वो सपना पूरा करना है इसीलिए अब रोहतक जाऊंगा लेकिन उससे पहले एक कर्ज उतारना है जिस हॉस्टल ने मुझे इतनी देर पनाह दी है उसके लिए मेरा भी कुछ फर्ज बनता है सोचता हूँ जाने से पहले यहाँ कुछ कमरे बनवा दूँ
ताकि मुझ जैसे गरीब किसान के बेटों को पढ़ने के लिए यहाँ पनाह मिल सके। रोहतक 1914। अरे मुंशी हरदन सिंह, लगता है तुम्हारे चौधरी साहब को आज फिर कोई आर्य समाज का प्रचारक मिल गया है। सो तो है चौधरी साहब, जा जरा उन्हें बुला कर ले आ। चौधरी साहब, मैं उनकी बातों में टोका टाकी नहीं करूँगा, बिगड़ जाएंगे। अरे देखिए वो खुद ही आ रहे हैं। वो क्या के जरा आर्य समाज के प्रचारक मिल गए थे, सांपला से ही जान पहचान है। देख रहा हूँ कि आजकल आप आर्य समाजियों के प्रति ज्यादा झुक रहे हैं। क्या करूं, इस धर्म के कर्म कांड और माया जाल में फंसे सदियां गुजर गई। इस माया जाल से हम किसानों को सिर्फ आर्य समाज ही मुक्त करा सकता है लालचंद जी। आपका यह हिसाब किताब हमारी समझ में नहीं आता छोटू राम, वकालत में ये सब नहीं चलता। मैं वकालत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं करता लालचंद जी, किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए भी कर रहा। चौधरी साहब आप ऊपर बैठो, आपके लिए वो। अरे ना ना ताऊ ना, मिट्टी से गंदा नहीं होता मैं भी किसान का बेटा हूँ, इस मिट्टी से तो मेरा बड़ा गहरा नाता है। लाओ छुक्का दो। अरे लाओ, जंग चढ़ गई, जंग 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 अजीम शुरू। आप क्या सोचते हैं, क्या ब्रिटेन युद्ध में कूदेगा? बेशक, और हिंदुस्तान से मदद भी मांगे, और इसके बदले में हिंदुस्तान को आजाद करने का वादा भी करे। इसमें हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज़ाद तो होगा ही हमारा हिंदुस्तान। उस वक्त हमारे पास अपनी ही बनाई हुई ट्रेंड फौजें होंगी हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करने के लिए। आप तो बहुत दूर की सोचते हैं लालचंद जी। मेरी तो यही नीति है कि शांति के समय हल और युद्ध के समय तलवार उठाना हर हिंदुस्तानी का धर्म। जो बात बताओ चौधरी साहब, इन फिरंगियों के लिए हम अपने छोरों की बलि क्यों दें? इन फिरंगियों के लिए नहीं, अपने देश के लिए कुर्बानी देंगे। ये देश तो अपना है, अगर अंग्रेज हार गया तो हम पर राज करने कोई भी आ सकता है। पर हम उनकी मदद क्यों करें, अंग्रेजों के खिलाफ क्यों ना लड़ें? मेरे नौजवान दोस्त, ये मत समझो कि मैं अंग्रेजों के पक्ष में हूं। मैं किसान के फायदे का कोई भी मौका हाथ से निकलने नहीं देना चाहता। फौज में भर्ती होने से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सदियों का कर्ज तुम अपने सर से हटा सकोगे, और गरीब किसानों के बेटों के लिए रोजगार का ये सुनहरी मौका। बात तो ठीक से, कर्ज तो उतरेगा, भूखे तो नहीं मरेंगे। हाँ, मेरा एक ही सपना है, देश के आजाद होने तक किसान इतना ताकतवर हो जाए कि वो भी हुकूमत में बराबर का हिस्सेदार बन सके। शाबाश।
इधर 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 ठीक भगवानी ए राम प्यारी भगवानी ए भगवानी भगवानी तेरे को तो ना काम ते फुर्सत ना दिन में चैन ना रात में आराम अब इन छोरियां ना कह दे इब ये सो जाएं भगवानी ने तो स्कूल में भी जाना से पर छोरियां यहाँ तो ना आई चौधरन तू भी बच्चों गैल बच्चा बन जावे से पता नहीं इतना काम क्यों कर संभाले से तू मेरी फिकर मत किया कर चौधरन हाँ हाँ मैं क्यों फिकर करूं तेरी सारा देश जो फिकर करे से तेरी चलो 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 आ भगवानी आ आ नहीं मां स्कूल जाना से चल राय साहब जी सुना से अंग्रेज सरकार थारे ते 100 एकड़ जमीन देवे से अरे सरकार देगी तो तब जब मैं लूंगा पहले गरीब किसानों में तो बांट ले ये जमीन उन्होंने तो मेरे किए कराए पर पानी फेर के रख दिया अब मैंने क्या राय साहब की उपाधि पाने के लिए या इनाम पाने के लिए भेजा था जवान छोरों को मोर्चे पर चौधरी साहब थारी मदद चाहिए हमारा छोरा 8वीं तो पास कर गया सर लेकिन आगे बढ़ना था हाँ क्यों नहीं मांगे दास इसे रोहतक भेज देना मेरे पास किसान के बेटे को कभी पैसे की वजह से पढ़ाई ना छोड़नी पड़े राय साहब यह रोलेक्ट एक्ट के उसे ये ऐसा कानून है जिसमें सरकार बिना केस के गिरफ्तार कर सकती है राय साहब जी इब के होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता पर हवा जो चल रही है उससे तो यही लगता है जो भी होगा बहुत दर्दनाक होगा जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 तीसरी बात वक्त करवट बदल रहा है लेकिन किसान की किस्मत नहीं बदल रही मैं किसान हूं इसलिए किसान की ही बात करूंगा असहयोग का यह जो नारा दिया गया है अब इसका मतलब समझो असहयोग किस तरह का असहयोग काउंसिल का बहिष्कार करें चलो कर दिया कोर्ट कचहरी ना जाए चलो मान लिया सरकारी नौकरी छोड़ दें छोड़ दी इनकम टैक्स ना दें ठीक है नहीं देते तो फिर ये किस तरह का सहयोग ये तो खाते पीते शहरी लोगों के लिए है जो इन सब के बगैर भी जी लेंगे किसानों से कहा है भूमि कर मत दो तो मेरे किसान भाइयों अगर किसान भूमि कर पर माल गुजारी नहीं देगा तो 50 रुपए के बदले में उसकी 5000 रुपए की जमीन जब्त हो जाएगी इस बात को अच्छी तरह समझो शहरी आदमी अगर 100 रुपए आयकर नहीं देगा तो उसके बदले में उसकी 100 रुपए की संपत्ति जाएगी लेकिन अगर किसान 50 रुपए भूमि कर नहीं देगा तो उसके बदले में उसकी 5000 की जमीन जाएगी और उस जब्त जमीन को खरीदेगा कौन शहर के लोग या फिर गांव में बैठे सूदखोर महाजन है ना यह सरासर नाइंसाफी किसानों की भलाई के खिलाफ फैसला बात तो पते की है बात में जोर है तुम्हारे फायदे की बात मैं कहता हूं असहयोग आंदोलन से किसान तबाह हो जाएगा 1920 में
उन्होंने कांग्रेस को त्याग पत्र दे दिया। वे अपनी उन्नति के लिए अपने सिद्धांतों की कुर्बानी नहीं दे सकते थे। मैं अकेला ही चला हूं जाने में मंजिल मकसूद, मगर लोग आते जाएंगे और कारवां बन जाएगा। यह युग पुरुष हवा के रुख के साथ न चलकर उसको बदलने की ताकत रखते थे। उनकी मुलाकात मियां सर फजले हुसैन से हुई और इस तरह यूनियनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1923 के चुनावों में इस पार्टी को भारी सफलता मिली। मेरे प्यारे मेहनत कश किसान भाइयों, हम सबों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई है, यूनियनिस्ट पार्टी। आप गरीबों और किसानों की पार्टी, मोंटेग्यू सुधारों के तहत किसानों की ये अपनी पार्टी इस साल होने वाले दूसरे चुनावों में पंजाब से चुनाव लड़ेगी। इस निजाम में किसानों की आवाज को बुलंद करें। ऐ किसान, तुझे आज तक शांति और संतोष का पाठ पढ़ाया गया है, मगर आज आज मैं तुझे क्रांति की शिक्षा देता हूं। शांति तो शमशान भूमि में हो सकती है, जीवित इंसानों की बस्ती में शांति कैसी? ऐ किसान, तू जीवित है, मुर्दा होने से इनकार कर दे। सर से पैर तक तूफान की आवाज बन जा, शेर की तरह दहाड़ना सीख ले, शेर की तरह। ऐ मेरे भोले किसान, मेरी दो बात मान ले। एक, बोलना सीख ले। दो, दुश्मन को पहचान ले। बस खुदा ने जो मेरे हाथ पर तुम्हारी खिदमत की लकीरें डाली हैं, उतनी खिदमत से पहले मुझे चैन की सांस लेना हराम है। मेरे किसान भाई, तू अपनी अंदरूनी ताकत से अनजान है। तू अपने आप को पानी का एक कतरा समझता है, मगर तू एक बेपनाह सागर है। तू अपने डरे हुए दिल में गौर से झांक कर देख, तुझे उसमें एक तूफान छिपा बैठा नजर आएगा। और अगर तुझे अपने दिल की आवाज सुनाई नहीं देती, तो इस नजारे को मेरे दिल में झांक कर देख। तुझे दिखाई देगी अपनी कल की तकदीर, मगर उसके लिए तुझे अपनी जहनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। अपने भेदभाव, अपने मजहबों को भुलाकर आगे बढ़ना होगा। ऐ मेरे भोले किसान, बस एक बात याद रख, तू सिर्फ किसान है, सिर्फ किसान। तू हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, सिर्फ किसान है, सिर्फ किसान। Under His Majesty's service, as Governor of Punjab, with the consent and approval of the Governor General of India, I hereby appoint Mr. Fazle Hussain as the Premier of Punjab. Lal Chand as Minister of Agriculture. राम राम चौधरी जी। राम राम। अरे आओ दुली चंद, आओ बैठो। चौधरी जी रोहतक गया था, वहां जाकर पता लगा कि आप भरतपुर गए हुए। हाँ, आपको तो मालूम है कि चौधरी लालचंद का चुनाव खारिज कर दिया गया है और उन्हें वजारत से हटा दिया गया है। इसी सिलसिले में भरतपुर के राजा साहब से मिलने गए थे,
राजा साहब ने उन्हें मंत्री रख लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ चौधरी साहब। लेकिन चौधरी साहब, अब हम सब लोगों की ख्वाहिश है कि आपको मंत्री बनाया जाए। दुलीचंद, मंत्री मैं बनूं या ना बनूं, मेरा असली मकसद है किसानों को इंसाफ दिलाना, बस। प्यारे किसान भाइयों, आप सब लोग तो जानते हैं कि चौधरी लाल चंद का चुनाव खारिज होने की वजह से मंत्री पद खाली हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम ये जिम्मेदारी किसानों के नेता चौधरी छोटू राम जी पर डाल दें और उन्हें अपना मंत्री बनाएं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप इस कागज पर अपने दस्तखत, हस्ताक्षर और अंगूठा लगाएं, ताकि हम अपनी बात गवर्नर साहब तक पहुंचा सकें। चौधरी छोटू राम सहायक मंत्री बन गए और किसानों की बेहतरी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। चेयरमैन साहब, ये 75 लाख रुपया किसानों का है। ये पैसा किसानों से सिंचाई कर में इजाफा करके वसूला गया है। इस पैसे पर केवल किसानों का हक है और ये उन्हें वापस मिलना चाहिए। चेयरमैन साहब, हर बात में चौधरी साहब किसानों को हिमायती हो जाते हैं। ये पैसा बजट का है, किसानों का नहीं। जी नहीं, ये पैसा किसानों का ही है, क्योंकि उनसे ही वसूल किया गया है। और फिर किसानों की भलाई की मुखालफत क्यों? आखिर वो हमारा अन्नदाता है। आप आगे भी बढ़िए, अभी हमारे पास और कितने मसले अधूरे पड़े हुए हैं। गरीब किसान बीमार पड़ जाता है तो उसके इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं, किसान के बच्चों के लिए गांव में कोई स्कूल नहीं, और सूखे के दिनों में तो किसान एक एक बूंद पीने के पानी को तरस जाता है। इसलिए हमने जिला मंडी में एक जल बिजली योजना का मसौदा तैयार किया है। हम भाखड़ा प्रोजेक्ट को फिर से पूरी शक्ल देंगे। आप सब अपने भेदभाव छोड़कर एक पल को सोचिए जरा कि अगर किसान अनपढ़ रहेगा, भूख और प्यास से मरेगा, तो आप सबको कहां से मिलेगी रोटी? और वैसे भी बेचारे किसान की जिंदगी में दाना है तो दाम नहीं, दाम है तो दाना नहीं। महिलाओं के कल्याण के लिए उनके मंत्रालय के कार्यकाल में अनेक सामाजिक सुधार किए गए। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक कानून बनाए गए। उन्होंने भाती जैसे कन्या से संबंधित संस्कारों का विरोध किया, क्योंकि ये परिवार के लिए वित्तीय संकट थे। इन सब बातों को उन्होंने अपनी बेटी के विवाह में अपनाया। छोटू बेटे, घर आई लक्ष्मी ने ठुकराया ना करते। पंचायत में मैंने यही फैसला करवाया था ना काका, कि ना कोई दहेज लेगा और ना ही कोई भातियों से कुछ लेगा।
व्यास है? इतिहास, एक हादसे की तारीख देख रहा था। खैर, क्या बात है चौधरन, तू बड़ी उदास लग रही है। तू तो सारी उम्र इतिहास पढ़ते रही हो बस, थारा अपना इतिहास क्यों कर चलेगा? सारे भाई बंधु एक ही फिक्र में डूबे से। मतलब? मतलब दो छोरी से खानदान आगर क्यों कर चलेगा? तो ये बात है, क्या हमारी छोरियां हमारे खानदान की नहीं? रहन दे, सारी बात मजाक में ना टाल, मेरी एक बात मान जा। बता। तू दूसरा ब्याह कर ले, मैं तो बेटा ना दे सकी, कम से कम खानदान आगे बढ़ेगा। चौधरन, तू कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई है। अरे बावली, इस देश का एक एक बालक मेरा बेटा है, तेरा बेटा है, हमारा बेटा है। राय साहब, इस टाइम आपको पंजाब काउंसिल में मिनिस्टर नहीं चुन सके। मेरे ऊपर शहरी मेंबर्स के बहुत प्रेशर था, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी देख के मैं एक ऑफर लाया हूँ जिसकी अप्रूवल वाइसराय साहब से भी मिल चुकी है। कहिए। आप इंडिया के हेवन कश्मीर की प्रीमियरशिप एक्सेप्ट करें। इसका मैं मशकूर हूँ, लेकिन मैं आपकी ये तजवीज मंजूर नहीं कर सकता। अपने पंजाब के गरीब किसानों की सेवा मेरा सबसे पहला मकसद है, उन्हें उनकी नींद से उठाना है, उन्हें इंसाफ दिलाना है। मारी जमीन बचा लियो सरकार, थारे सवाए हमारा कुंते, हमारी जमीन ना रही तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे सरकार। 300 रुपए के ऊपर 30,000 का सूद हम कहां से कर ले? ये हमारा खून पी गया सरकार, ये हमारा खून पी गया। वकील साहब, अगर हमारी जमीन ना रही हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारी जमीन बचा लियो सरकार, हमारी मेरी जमीन बचा लियो, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, ये औरत एक गरीब विधवा है, 7 छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के सिवा इसके पास है क्या? मैं पूछता हूं, अगर इससे इसकी जमीन भी छीन ली गई तो ये खाएगी क्या? कहां से लाएगी रोटी? इस 300 रुपए के लिए 30,000 का सूद कहां से देगी? खुद को जिंदा कैसे रखेगी? अपने बच्चों को कैसे पालेगी? आई डू अग्री विद यू मिस्टर छोटूराम, I would tend to sympathize with her on humanitarian grounds, but the law is the law and I am bound by it. आपके हाथ कानून से बंधे हैं, लेकिन कानून अपनी आंखें कैसे बंद कर सकता है इंसानियत को तड़पते हुए देखकर? कहां लिखा है यह कानून में? कहां का कानून है ये? कैसा कानून है ये? बदल डालूंगा मैं इस कानून को, मैं बदल डालूंगा इस कानून को। सोना
बनाने वाले भाई रे, माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे, अपना पसीना बहाने वाले भाई रे, अपना पसीना बहाने वाले भाई रे, उठ तेरी मेहनत को लूटे हैं कसाई रे, लूटे हैं कसाई रे। धरती को सोना बनाने वाले भाई रे, माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे। ठिकारे ये सड़के ये इंजन, इन सब में तेरी ही मेहनत की धड़कन, मेहनत की धड़कन, तेरे ही हाथों ने दुनिया बनाई, तूने ही भर पेट रोटी न खाई, रोटी न खाई, हंसी तेरे होठों की किसने चुराई रे, किसने चुराई रे। खेत खलिहानों में, मिल कारखानों में, कोयला खदानों में, सोने की खानों में, सोने की खानों में, बहता है तेरा ही खून पसीना, जालिम लुटेरों का पत्थर का सीना, पत्थर का सीना, सेठों के पेटों में तेरी ही कमाई रे, तेरी ही कमाई रे। धरती को सोना बनाने वाले भाई रे, माटी से हीरा उगाने वाले भाई रे। तुझको हिलाना है अपना सवेरा, अपना सवेरा, तू ही अंधेरों में सूरज है भाई, तू ही लड़ेगा सुबह की लड़ाई, सुबह की लड़ाई, तभी सारी दुनिया ये लेगी अंगड़ाई रे, लेगी अंगड़ाई रे। धरती को सोना बनाने वाले भाई रे, अपना पसीना बहाने वाले भाई रे, अपना पसीना बहाने वाले भाई रे, उठ तेरी मेहनत को लूटे हैं कसाई रे, लूटे हैं कसाई रे। धरती को सोना बनाने वाले।